हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि जो 5 दिन का टाइम बचा है मैथ्स का पेपर जो 18 को है उसकी तैयारी कैसे है, और मेरा जो पढ़ाने का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें, और ये पेपर का जो टाइम होता है उसमें कैसे टेंशन फ्री हो पाएंगे। मेन होता है कि बच्चों को इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, कि कई बच्चे जिसे प्रिपरेशन अच्छी तरह नहीं होती वो भी टेंशन में रहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपने कर रखा है, जो टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग आता है उस पर ज़्यादा फोकस करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। हर तरह के बच्चे होते हैं, कई लेवल के बच्चे होते हैं, कई बच्चे होते हैं कि सोचते हैं मैं पास हो जाऊँ, कई बच्चे होते हैं उनका मीडियम में नंबर आता है, कई बच्चे टॉपर होते हैं। तो हर बच्चे की पढ़ने की क्वालिटी अलग अलग होती है और हर बच्चे का पढ़ने का जो तरीका होता है अलग होता है। सबसे पहले उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैंने जो चाहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये तो दिमाग से निकाल, ये निगेटिव चीज तो दिमाग में रखना है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, केवल आप एनसीईआरटी भी अच्छी तरह कर लेते हो तो पास जरूर हो जाओगे, ये आप मान के चलो। और उसमें करना क्या है कि आपने एनसीईआरटी तो पढ़ाई होगा, पेपर जो पिछले साल आया था तो पिछले साल जो पेपर आया था एनसीईआरटी मोस्टली था उसमें 80% करीब 20% तो बाहर से आता है। तो इस साल भी मोस्ट प्रोबेबली यही है कि पेपर जो है आपका एनसीईआरटी बेस ही आएगा, और क्योंकि मोस्टली ये होता है कि 2 से 3 साल तक पेपर एनसीईआरटी के साथ में फिर से पेपर टफ आ जाता है। और बाहर से भी पेपर यदि आता है तो आप ये समझ लो कि 60% 40% 50% 60% तो एनसीईआरटी आती है, डिजिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब देखो एनसीईआरटी में तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी में तैयारी करने का मेन मतलब ये होता है कि आपका जो चैप्टर वाइज जो आपका स्ट्रॉन्ग है कॉन्सेप्ट उसका पता होना चाहिए, और एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करो। जैसे आप हो गया इंटीग्रेशन हो गया या AY हो गया, इसमें हो गया, उसके बाद जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी में एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 3D में भी क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर में कई क्वेश्चन आते हैं, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये एग्जाम्पल आप अच्छी तरह करते हो, उसी तरह जैसे आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में भी है, उसमें भी एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो मिसलेनियस के जो टॉपिक है मिसलेनियस में अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, मिसलेनियस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल जितने भी हैं। तो एनसीईआरटी में आपको जो जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करो एनसीईआरटी, और उसके बाद एनसीईआरटी के बाद आपको एग्जाम्पल्स कर लो, और जो जो क्वेश्चन आपने टीचर ने पढ़ा रखा होगा या जो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का, उससे आपका ज़्यादातर। और बाकी मैं भी आपको वीडियो भी डालूंगा, इसमें डेली वीडियो डालता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक वाइज। तो इन बच्चों के लिए जिनको डर होता है वो आप फोबिया एक मैथ्स का होता है, सबसे मेन चीज़ क्या है फोबिया है, उस फोबिया को आप अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरे उस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा मिडिल में होते हैं और अच्छे 70-80 के आसपास नंबर निकालना होता है, उसके लिए उनको बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप टॉपिक वाइज सारी टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर कर लो, एनसीईआरटी के जो मेन मेन क्वेश्चन है मोस्टली आप जो है उसमें जो आपका मिसलेनियस होता है उसको ज्यादा फोकस करो, एग्जाम्पल फोकस करो। दूसरी चीज आपका क्या है कि एग्जाम्पल्स जो बुक आती है एनसीईआरटी की एग्जाम्पल होती है, बाहर की बुक करने से अच्छा है एग्जाम्पल से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड में हम 25 साल से देख रहे हैं, बोर्ड में जो पेपर ज्यादातर जो बाहर से ज्यादातर पूछे जाते हैं वो ज्यादातर एग्जाम्पल से आते हैं। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर है उसको आप अच्छी तरह से करो, वो आप अच्छी तरह से यदि कर लेते हो तो उसमें से भी काफी क्वेश्चन आपके टीचर ने बताया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। अब कल से मैं भी एक मतलब वीडियो बना के आपको मार्क करा दूंगा कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में एग्जाम्पलर से आ सकते हैं, तो उसको आप अच्छी तरह से कर सकते हो। उसके बाद से क्या होता है कि तैयारी करने का तरीका होता है प्रीवियस एंटर पेपर, पास्ट पेपर का पास्ट पेपर जितनी अच्छी तरह से करते हो 5-6 साल तो भी प्रीवियस है जो पेपर कर लो, जो पिछले साल के पेपर है उससे आपको टाइप्स पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है टाइप्स का आपको पता करना कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आप करो। उसके बाद एक मेन मोटिव क्या होता है कि आप टेस्ट दो, आपने मान लो कि जिसका कल का केमिस्ट्री का पेपर हो गया है आज थोड़ा जस्ट आज रिविजन पूरा करके कल से आप 3-3 घंटे का जो टेस्ट होता है उसको 2.5 घंटे में देने की कोशिश करो। टेस्ट में उन बच्चों को ये भी बोलूंगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं पास नहीं करूँ उनको भी आप टेस्ट जरूर दिया करो। टेस्ट तो जो मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल में हैं तो उनके 70-80 के अराउंड आता है वो भी आप टेस्ट जरूर दो। टेस्ट देने से क्या होता है कि आप 3 घंटे का टेस्ट 2.5 घंटे का टारगेट लेकर चलते हो तो आपकी प्रैक्टिस होती है और स्पीड बढ़ती है,
स्पीड बढ़, और जहाँ भी आप टीचर से, जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, जहाँ कोचिंग में पढ़ रहे हो, उस टीचर से पूरे टेस्ट को चेक कराओ। चेक करने के बाद ये देखो कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ हो रही है, सीधे मिस्टेक तो नहीं हो रही है, उस चीजों को देखो। जब तक आप टेस्ट में, मेरे यहाँ जो 10th का पेपर हुए थे उसमें टेस्ट हमने जो लिया उससे बच्चों का, अच्छे से बच्चों को मिस्टेक पता चली कि ट्रांसपोजिशन में मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं, फार्मूले में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो सब चीजें उभर के आती है कि हमारी मिस्टेक कहाँ हो रही है, इस चीजों का आपको करना है। तीसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं जिनका मतलब सोचते हैं कि हमारे 90-100 पूरे नंबर आ सकते हैं, और 100 देखो जो एवरेज बच्चे तो उनके भी आ सकते हैं, वो प्रैक्टिस के ऊपर होती है, आप उस दिन कितना अच्छा करके आते हो। 100 में 100 मैथ्स में लाने का सबसे मेन तरीका होता है एनसीईआरटी, आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है वो अच्छी तरह आपको आनी चाहिए, उसके बाद से एग्जाम्पल सारे ना किया हो लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके टीचर ने बताया है या आप देखते रहे वो आप करो। उसके बाद से प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पेपर अच्छी तरह आपको आने चाहिए, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको क्वेश्चन आपको ना हो, और ये सब क्वेश्चन जो प्रैक्टिस इतनी होती है कि क्वेश्चन आपको देख के आने चाहिए। जब हम ये क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो जो क्वेश्चन हमको आते हैं वो हम जल्दी कर देते हैं, तो हमको जो क्वेश्चन नहीं आते रहते हैं या जो नए क्वेश्चन होते हैं उसको हमको सोचने का टाइम मिलता है, उसमें हम थोड़ा समय दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस से ये फायदा होता है, या आते हुए क्वेश्चन भी बार बार करने से हमारा क्या होता है कि चेंज होकर कोई चीज आती है तो उस पर भी हमको फोकस करना है। दूसरी चीज, एक चीज का आपको ध्यान हमेशा यह देना होता है कि प्रोबेबिलिटी और क्वेश्चन नंबर में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम बुक्स के जो क्वेश्चन आते हैं, मान लो हमने हेड्स के बारे में पढ़ा है, एटलीस्ट एटमोस्ट हेड्स के बारे में दिया है, और वो क्वेश्चन में वहां क्या करता है टेल के बारे में दे देता है या जैसे नॉट लगा देता है, तो कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा, जैसे पिछले साल भी ऐसे ही कोई एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का हुआ था वो चेंज कर, बच्चे जानते हैं वो तो सिंपल सीधा सीधा क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा सा नीचे चेंज कर देते हैं। कभी भी पेपर में क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना, थॉरली जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक क्या होता है कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, और ये कई बार 26 साल से देख रहे हैं कई बार मिस्टेक होती है। इस चीजों पर भी फोकस करना आपको कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, कई बार डिजिट गलत लिख देते हैं, ये सब चीजें मिस्टेक करके बच्चों का 100 आने में वो 1-2 नंबर कट जाते हैं कई बार, ऐसी मिस्टेक नहीं करना आप लोगों को। दूसरी चीज मैं बताया कि टेस्ट आपको 2.5 घंटे में ही देना है, 3 घंटे का टेस्ट, जिसको 100 लाने की उसकी चाहत है तो आप 2.5 घंटे में टेस्ट देके और चेक कराओ टेस्ट में, फिर अपनी मिस्टेक को देखे किस टॉपिक में कहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, क्या क्या हमको चीजें नहीं आ रही वो चीज आपको देखना है। दूसरी चीज, बच्चे बोलते हैं कि हम 1 नंबर से करेंगे, 2 नंबर से करेंगे, 4 से करें, 6 से करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप सेक्शन ए सेक्शन बी सी जो भी लिखते चले जाओ डी, और कोशिश करो कि एक सेक्शन में क्वेश्चन एक ही जगह पूरा हो, तो वो आपको पेपर एग्जामिनर हो तो उसको भी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर जो लिखो वो क्लियर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन पूरा आप हेडिंग देकर ऊपर पूरा लिखा करो, और टेस्ट जरूर दो। अब मैं आपको उनसे एक बोलूंगा, जैसे मान लो आपका बोर्ड का पेपर है, जहां भी आप कोचिंग कर रहे हो और जहां भी आप ट्यूशन कर रहे हो, उन टीचर से बोलो कि एक पेपर आपको ऐसा बनाया जो कि 18 को पेपर है, 16 को शाम को आप 3 से 6 का टेस्ट हो, 3 से 6 का आप 3 घंटे, जैसे समझो मेरे को बोर्ड में पेपर देने जाना है, उस तरह से प्रिपेयर हो कि आप 3 घंटे बैठ के, हमारे यहाँ भी ऐसे टेस्ट होते हैं, 3 घंटे का पूरा टेस्ट हो, 3 घंटे के टेस्ट में आप ये देखो कि आपको बोर्ड, अब जैसे बोर्ड देने जा रहे हो पेपर, बोलो टीचर से कि ऐसे पेपर बनाए तो थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन हो, मिक्स भी क्वेश्चन हो, या कोई सैंपल पेपर हो अच्छी तरह से, तो वो चीज आप पूरा अच्छी तरह से जब सैंपल पेपर आप 3 घंटे का टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमारा एक तरीके से हम बोर्ड से पहले हमारी प्रिपरेशन कितनी है। अब उस पेपर को चेक कराया कि जो 17 का डे होगा उसको उस दिन टेस्ट मत दो, उस दिन आप रिवीजन देखो कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक थी, कैसे हमको रिवीजन करना है, जो फार्मूले हमारे यहाँ वो फार्मूले इस तरह करना है कि नहीं है, ये सब चीजें आपको सारी चीजें देखनी है। और फिर जो आपका देखना है कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, मैक्सिमम गो थ्रू होना है, आपको कोई सैंपल पेपर भी मिलता है मार्केट में उसको भी गो थ्रू, जो प्रीवियस जो इस साल का सैंपल पेपर आया हुआ था, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था उसको भी आप देख सकते हो, उसका उसका सोल्यूशन भी मैंने डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो, अनअकैडमी भी मैंने डाल रखा है। तो आपको इस तरह क्या है कि अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, और जो पढ़ने का, और दूसरी चीज होता है कि टेंशन नहीं रहना, बच्चे ज्यादातर फर्स्ट एड हो जाते हैं, थोड़ी नींद भी 2-4-5 घंटे की, आप 3 घंटे 4 घंटे लगता है 2 घंटे पढ़ते हो तो बीच में आधे घंटे का रेस्ट दो। दूसरी चीज क्या होता है कि आपको अपना हौसला नहीं छोड़ना है, मेन चीज क्या होता है कि ना देखो होता क्या है कि हमको पढ़ाई से मेन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, हमको हमारा जो हौसला होगा ना तो हम पता कर सकते हैं, मेन चीज क्या होता है कि हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, निगेटिव तो माइंड में लाना नहीं, किसी बच्चे को नहीं लाना है चाहे कितना भी पढ़ा, बाकी आप पढ़ते हो आप देखो कि
रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में मत सोचो, रिजल्ट तो आपका अच्छा ही होने वाला है, बट ये सोचो कि जो हम कर रहे हैं हमको बस पढ़ना है, हमको डेली पढ़ना फोकस 100% होना चाहिए कि जो हम क्वेश्चन करें उसको अच्छी तरह फॉर्मली करें। ये हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसे देख लेते हैं क्वेश्चन और पेपर आ जाता है फिर छूट जाता है, तो जो आप पढ़ो उतना थॉरली पढ़ो, और जो अच्छे बच्चे 100 लाने वाले बच्चे वो थ्रू ज्यादा से ज्यादा हो, और प्रैक्टिस ज्यादा से बोलना टेस्ट जरूर दो, प्रीवियस ईयर के पेपर करो, और एग्जाम तो एग्जाम्पल जो अच्छी तरह से कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी मार्केट बुक आती है, सेपरेट पेपर आता है, गेस्ट पेपर आता है, उनको आप क्वेश्चन देखते देख सकते हो, जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं थोड़ा अलग हटके लगते हैं उन क्वेश्चनों को कर सकते हो। यही आपका मेन चीज है पढ़ने का और तरीका जो मैं बताया, इस पे आप 5 दिन में अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हो और आपके 100 में 100 नंबर आ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।